वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खन्ना टाइम टीवी च सारिआं दा स्वागत है ते मैं थोड़ा अपना हरजोत सिंह जो कि अज असीं पिंड सीहो माजरा जिला रोपड़ दे विच मौजूद हाँ। तुसीं मेरे पिछे देख सकदे हो वी एक हरे हरे घा दे ट्रेआं इत्थे पईआं होईआं ने। इह कोई हरा घा नहीं हैगा, इह वीट ग्रास है जिस दे नाल लखां बीमारियां जो कि ठीक होंदियां ने, कैंसर वर्गियां बीमारियां, किसी के गोडे दुखदे होण, जोड़ां दा दर्द होवे, शरीर दे विच किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होवे, कई लखां बीमारियां इस घा दे नाल। इसनू घा नहीं कहा जाता, इसका नाम है वीट ग्रास। ये बहुत ही वधिया चीज़ है। अगर कोई भी इसका सेवन करता है सवेरे शाम, अगर किसी भी तरह का सेवन किया जाता है इसका वीट ग्रास का, तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो जो यह वीट ग्रास है, यह मुख्य सेवादार संत बाबा गुरमेल सिंह जी चमकौर साहब लंगरा वाले ने स्टार्ट की सी। ते बाबा जी साडे नाल मौजूद ने, बाबा अमरजीत सिंह जी पिंड सीहो माजरे तो। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी, यह बाबा गुरमेल सिंह जी ने स्टार्ट की सी, तो तुसीं उन्हां तो जो कि किमें थोनू लग्या भी थोनू भी अपने पिंड दे विच इदां दा उपराला शुरू करना चाहिए? यह जी संत बाबा गुरमेल सिंह जी की कृपा दे नाल 2 साल पहला वीडग्रास का लंगर लाया गया सी श्री चमकौर साहब विखे। उन्हां तों बाद फिर हेमकुंड साहब के लंगर स्टार्ट हो जाने, हेमकुंड साहब के लंगर दौरान बंद किया गया। उदों बाद अगले साल सेवा सानू संभाली गई, जो कि बाबा जी ने सानू दस्या भी ट्रेनिंग दे के इस चीज़ दे बहुत बड़ा फायदा है, लोगों का भला हुंदा है, जिस कारण जे वीट ग्रास है असी ये रैकां दे अंदर कमरे दे अंदर तैयार करते हाँ, जो कि 2 साल तो साडा प्रैक्टिकल है, जिहदे विच कैंसर दे लोग बहुत सारे मरीजां नू बहुत आराम मिलिया है, ठीक होए ने, उन्हां दी जान बची है, होर भी कोई बहुत सारे रोग आ जिहड़े चमड़ी दे रोगां नू इह ब्लॉकिंग नू दूर करदी है। वीट ग्रास दा कोई समुद्र बणा अंत नहीं पा सकदा, इन्नी इहदी खासियत है कि इह वीट ग्रास शरीर दी किसी भी बीमारी नू दूर कर सकदा है। ते इह बाबा जी वीट ग्रास मतलब कि वरती किदां जांदी है, अगर किसी ने लेनी होवे, किसी नू कोई कैंसर दी बीमारी होवे जां शरीर दे विच कोई बीमारी हुंदी है, कि मतलब कि वरतों किदां हुंदी है? इह जी जो वीट ग्रास है इह तकरीबन 8-10 दिन दे अंदर तैयार हो जाती है। जदों 8 दिन की ट्रे हो जाती है, असीं फिर इहनू कैंचीकल वढ के 2 पाणियां च धो के मोम दस्ते जां कुंडे च कुट के इहदा जूस कढ़िया जांदा, हत्थ कल चोड़ के चाह पौनी नाल पुण के कंच दे गलास विच 15 ml तों हरे व्यक्ति नूं स्टार्ट कीता जांदा है। किसे तरह दा भी रोग होवे व्यक्ति दा, शुगर होवे, कैंसर होवे, दमा होवे, टीबी होवे, पाचन प्रणाली च प्रॉब्लम होवे, जिगर च प्रॉब्लम, सोजश होवे, गुरदे कड़ियां दी प्रॉब्लम होवे, इह सारी दूर कर दिंदा। किहड़े टाइम लई जांदी है इह? जी सवेरे तड़के तकरीबन निर्णय काल जे 5 बजे के करीब, 5 to 6 बजे के करीब लेनी पैंदी है। 1 घंटा बाद तुसी खा पी सकते हो, जो मर्जी चीज़ खानी है, लेकिन इहदा मेन यही है कि सवेरे निर्णय काल जे ज़्यादा असर करती है। ठीक है जी। तो तुसी मेरे पिछे देख सकते हो भी भाई अमरजीत सिंह फौजी पिंड सीहो माजरा रोपड़ कुराली रोड के उपर जो कि यह पिंड स्थित है। तो कुराली तो किन्नी दूरी पर पिंड अपना पैंदा जी? यह जी तकरीबन 4-5 किलोमीटर कुराली तो है, शिवदे वालू साडा पिंड है। पिंड दे विच बढ़दे ही साडा घर है, जो कि घर दे पिछे टावर लग्या होया है, बोर्ड लग्या साडा द्वार ते, कोई भी व्यक्ति आ सकदा है। जिहड़े गरीब आदमी ने बिल्कुल दवाई नहीं ले सकदे, कैंसर दे मरीज ने जां दंबे दे मरीज ने, जिहड़ा इंसान कहिंदा वी मेरा कोई चारा नहीं, दवाई नहीं मैं ले सकदा, पैसा नहीं खर्च सकदा, उहदे वास्ते फ्री दित्ती जांदी है। असीं कई मरीजां नूं फ्री दित्ती है तां कि उहनां नूं बहुत सारा फायदा मिलिया है, मरीज ठीक भी होए ने साडे कोल आ के। ते तुसीं देख सकदे हो भी बहुत लाहेवंद है, कैंसर वर्गियां बीमारियां जो कि इत्थों ठीक होंदे ने, चमड़ी दे रोग होण, अख कन्न शरीर दे विच अगर साडी बॉडी दे विच किसे भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, तो तुसीं वीट ग्रास का सेवन निर्णय काल जे करके अपनी बॉडी नूं तंदुरुस्त कर सकते हो। तो गरीब व्यक्तियों लई मतलब कि जो गरीब व्यक्ति ने जो पैसा नहीं खर्च सकते, इत्थे आण के जो कि मुफ्त सेवावां भी नाल दी नाल निभाईआं जा रहीआं ने। तो एक चीज़ असीं होर देखदे हां भी रैनाटस नोवा, ये किस पित्ते दी पथरी नाल
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰੂ ਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਨਾਟਸ ਨੋਵਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਇਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 3 ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਲ ਕੇ ਮਲਮੂਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12-1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 2-3 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਰੇਨਾਟਸ ਨੋਵਾ ਦੀ ਜੋ ਪਿੱਥੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀਹੋ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਪੜ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਸੀਹੋ ਮਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਨੇੜੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।